दोस्तों सब्सक्राइब करें आरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों लोग क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार, सलाम, वेलकम। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरजे, आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे इन्फो चैनल में और संडे स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। जो मुझसे पहला सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया है कि सर अगर 110 स्क्वायर फीट की जगह है मेडिकल शॉप की, जैसा कि आप बताते हैं कि 110-120 चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर 100 स्क्वायर फीट जगह है तो क्या उसमें हम मेडिकल शॉप खोल पाएंगे? नहीं दोस्त, एटलीस्ट 120 होना चाहिए और उसको 120 के ऊपर आप कितना भी रख सकते हैं, देर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बता रहे हैं 100 स्क्वायर फीट तो ये काम नहीं करेगा, DI आएंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे फाइल। तो इससे अच्छा है ऐसी जगह देखिए जहाँ पे कम से कम 120 के ऊपर जगह हो। 120 हुआ तो भी चल जाएगा, समवेयर ऑल्सो 110 चलता है, लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, 120 चाहिए, 120 के ऊपर जितना भी होगा वो काम करेगा, लेकिन 110, 100 ये काम नहीं करेगा, आपको होगी परेशानी। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया है कि सर मैं एक PCD कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 2-3 महीने हो चुके हैं, सैलरी टाइम पे आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कंटिन्यू करूँ काम। तो कंटिन्यू काम करने के बाद अगर 1 साल या फिर 6 महीने के बाद अगर मैं कंपनी चेंज करता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दोस्त कैसा है, देखिए अगर आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल जोन में हैं, अगर आपको सैलरी टाइम पे आ रही है, बस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका होगा तो फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप अगली कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वो आपसे ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मांगेंगे। काम अच्छी तरीके से करिएगा, डॉक्टर लिस्ट, विजिट, डॉक्टरों के नंबर, मेडिकल शॉप के नंबर, प्रोडक्ट नॉलेज ये सब लेते रहिएगा, कंप्यूटर ब्रांड ये सब सारा नॉलेज आप लेते रहिएगा। जब आप जाएंगे नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वरना क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे कुछ बता नहीं पाएंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम में रहेगा और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बस देखिए आपका ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हो, अगर नहीं आया है तो मंगा लीजिए, अगर नहीं है तो आपको परेशानी होगी, अगर है तो आप कंटिन्यू करते रहिए काम। जब आपको लगता है कि 6 महीने 1 साल के बाद कंपनी चेंज करनी चाहिए तब आप कंपनी चेंज कर दीजिए। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया है रिगार्डिंग फार्मा कंपनी को लेकर के कि सर मैं कंपनी लॉन्च करना चाहता हूँ, फार्मा कंपनी मुझे लॉन्च करनी तो उसके बारे में मुझे दीजिए आइडिया। तो दोस्त आप क्या करिए, जाइए मेरे प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको हाउ टू लॉन्च फार्मा कंपनी के बारे में सारी आइडिया मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देखिए। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ आता है प्रॉब्लम तो मुझसे पूछिए, मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा एक बात कि अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको यहाँ रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। व्हाट्सअप पे पॉसिबल नहीं है, व्हाट्सअप नंबर इज़ ओनली फॉर वैकेंसी पर्पज़ और इंग्लिश में जो आपको लगती है वोकैबुलरी उसके लिए है खाली। बस मैं व्हाट्सअप पे चैट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई डोंट लाइक टू मच ऑल्सो टू चैट ओवर देयर। तो जितना हो सके व्हाट्सअप अवॉइड करें। हाँ अगर कुछ पर्सनल है आपसे, कोई आप मुझसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क ओवर देयर, लेकिन उस पर भी ज़्यादा टाइम ना बिताएं क्योंकि कैसा होता है कि मैं चैटिंग को अवॉइड करता हूँ जितना हो सके, और कॉल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि क्या होता है कि हाँ अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट है, कुछ काम है तो कॉल कर लीजिए, वरना क्या होगा कि मैं आपका कॉल कट कर देता हूँ, कट कर दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, तो सॉरी फॉर दैट, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो यहाँ पे डालिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट तो ना ही है परेशान, मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, बस आप डालिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं देता हूँ तो आप मुझसे बताइए। बहुत से लोगों ने कहा सर कि आप रिप्लाई नहीं देते हैं, तो क्या होता होगा कि मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आप मुझे डालते हैं कमेंट्स वो मुझे दिखते ही नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ ओपन करने के लिए तो वो शो भी नहीं करता है। तो इसीलिए मे बी सम चांसेस आर देयर कि मुझे आपके रिप्लाई जो आप डालते हैं कमेंट्स मुझे वो नहीं दिखते होंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई दूसरा बंदा आपके कमेंट्स को पढ़ता है, वहाँ पे देता है रिप्लाई, तब वो मुझे शो करता है, तब मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हुए हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट डैट। अगर आपका मुझे मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो समझिएगा कि मैंने आपके मैसेज को या फिर कमेंट्स को नहीं देखा है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। आप मुझे फिर से दोबारा कमेंट्स करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, देता हूं और देता रहूंगा। लेकिन आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सअप को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, व्हाट्सअप इज़ ओनली फॉर वैकेंसी पर्पज। और अगर वैकेंसी मेरे पास आती है, कोई भी वैकेंसी का मैसेज आता है या कुछ भी आता है तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए कि सर वैकेंसी का मैसेज भेजिए, सर वैकेंसी का मैसेज भेजिए, और जितना हो सके मुझे सर कहना अवॉइड कीजिए। दोस्तों भाई बोलिए, दोस्त बोलिए चलेगा, लेकिन मुझे सर ना बुलाइए आप लोग, मैं आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा।
और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आम का सीज़न आ चुका है, पीछे देख सकते हैं मेरे कि यहाँ पे लगा हुआ है, आम ही आम लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं उसका कोई मालिक नहीं हूँ, मैं उसको खा नहीं सकता हूँ, अगर खाने जाऊँगा तो मुझे चिल्लाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग मुझे समझ के लेंगे, समझ के लेते हैं और समझते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।